गुड मॉर्निंग बच्चों। मान लो एक रेखाखंड है ए बी, जिसमें ए का निर्देशांक एक्स वन वाई वन और बी का एक्स टू वाई टू, और रेखा पे कोई पॉइंट है पी। तो यह पी इस रेखा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए पी और पी बी। इस प्रकार के डिवीजन को हम इंटरनल डिवीजन या हिंदी में अंतः विभाजन कहते हैं। अंतः विभाजन मान लीजिए पी से ए तक एम वन है और पी से बी तक एम टू है। अब इस P का क्या निर्देशांक होगा, इसे हमें ज्ञात करना है, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए हम एक्सिस खींच लेंगे पहले, X एक्सिस और ये Y एक्सिस, ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट इसका 0 0, और मान लेंगे कि P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। माना बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है। अब एक्स एक्सिस पे A से परपेंडिकुलर AC, P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर PD और B से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर BE खींच दीजिए। इसी प्रकार PD पर A से परपेंडिकुलर खींच दीजिए और BE पर P से परपेंडिकुलर खींच दीजिए। आप देख रहे हैं दो त्रिभुज तैयार हो गए। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल अब ये सपोज कीजिए L है और यह M है, तो ट्रायंगल PLA सिमिलर टू ट्रायंगल BMP। ये दोनों सिमिलर हैं। आप सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स AL अपॉन PM विल बी इक्वल टू LP अपॉन MB विल बी इक्वल टू BP अपॉन PA। तो अब हमें AL की आवश्यकता है, AL लिख लें हम। AL कितना होगा, यह हिस्सा टोटल OD से, OD कितना है X निर्देशांक X माइनस यह X1, और PL कितना है Y निर्देशांक है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में से ये घटा देंगे हम हिस्सा, तो PL Y माइनस यह हिस्सा इसकी मदद से आ जाएगा Y1। अब PM कितना है, PM टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये X निर्देशांक, X2 है ये, X2 माइनस यहाँ तक X, और BM कितना है, BM Y निर्देशांक टोटल Y2 माइनस ये हिस्सा यहाँ से आ गया Y। अब सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगा दीजिए, अब जब सिमिलर हैं इसलिए AL अपॉन PM विल बी इक्वल टू PL अपॉन BM विल बी इक्वल टू
पी ए अपान बी पी। अब ए एल का मान रख दीजिए यहाँ से, इधर लिखते हैं ए एल कितना है, एक्स माइनस एक्स वन अपान पी एम एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू पी एल पी एल वाई माइनस वाई वन अपान बी एम बी एम वाई टू माइनस वाई इक्वल टू पी ए एम वन अपान एम टू। अब इससे इसे इक्वेट करा दीजिए और फिर इससे इसको इक्वेट करा दीजिए, दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम वन अपान एम टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम टू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एक्स या एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स, सेपरेट कर लीजिए, एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। एक्स वाला टर्म हमने एक तरफ कर लिया, एक्स कॉमन हो गया, तो एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। देयरफॉर एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, यह एक्स निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार आप इससे इसे इक्वेट करा के सॉल्व करेंगे तो वाई निर्देशांक आ जाएगा। इसी प्रकार वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम वन अपान एम टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे y m2 y माइनस y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस y m2y माइनस m2y1 m2y माइनस एम टू वाई वन इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई। इसी को जैसे हमने सेपरेट किया था वेरिएबल्स, यहाँ पर भी वाई वाले एक तरफ कर दीजिए, एम टू वाई प्लस एम वन वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस ट्रांसपोज कर दिया उसे एम टू वाई वन वाई कॉमन, तो एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। देयरफॉर वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक पता हो गया और y निर्देशांक पता हो गया, अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। यही विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है।
अब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक ए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु इतने अनुपात इतने के में अंतर विभाजित करता है, तो उस विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। सूत्र में सारे मान रख देंगे, ज्ञात हो जाएगा। दैट्स ऑल।